आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सतेंद्र गौतम जी के साथ। क्या फिश एक्वेरियम, जिसको हिंदी में मछली घर भी कहते हैं, बेडरूम में रखना वास्तु अनुकूल है या नहीं? काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं, काफी लोगों ने मुझे फोन पर भी इसके बारे में पूछा है और काफी लोगों ने यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भी ये जानने का प्रयास करा है कि बेडरूम में फिश एक्वेरियम रखना चाहिए या नहीं। तो मैंने ये तय करा कि मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए। फिश एक्वेरियम को अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक है। इसमें वास्तु के पांचों तत्व हैं। फिश एक्वेरियम मुख्यतः जल तत्व है। इसमें जो बल्ब है वो फायर या अग्नि तत्व है। फिश एक्वेरियम का जो टैंक है उसमें जो पानी का लेवल है और टैंक का जो ऊपरी सतह है उसके बीच की जो खाली जगह है वो स्पेस आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और फिश एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन फिल्टर्स होते हैं वो वायु तत्व है। इसमें जो छोटे छोटे पत्थर या जिनको हम पेबल्स कहते हैं वो पृथ्वी तत्व है। तो अपने आप में पांचों तत्व का समावेश फिश एक्वेरियम में है, इसलिए ये घर में बहुत ही शुभ है और इसके बहुत ज्यादा लाभ घर में रहने वाले लोगों को मिलते हैं। इस विषय से संबंधित मेरा एक वीडियो YouTube पे है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो लोग चाहें इस लिंक को क्लिक करके इस विषय से संबंधित डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिश एक्वेरियम जो घर में रखना शुभ है उसके बहुत ही फायदे हैं, लेकिन क्या वो बेडरूम में रखना वास्तु अनुकूल है, ठीक है या नहीं? इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा तथ्यों के आधार पर जो फैक्ट बेस्ड हैं और बहुत ही लॉजिकल वे में। आज इस विषय पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और ये जानकारियां जियोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, जो अपने आप में एक साइंस है, उस पर आधारित है और वास्तु की जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या प्रिंसिपल है उन पे आज की जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो उस पर भी आधारित है। अगर हम मछली की शारीरिक संरचना देखें तो मछली की आईलिड पलक नहीं होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि मछली आंखें बंद नहीं कर सकती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मछली सोती नहीं है। बेडरूम में हम सोने जाते हैं। अगर मछली बेडरूम में है तो उसकी यही प्रकृति, हमारी जो व्यक्ति उस बेडरूम में सोएगा उसकी नींद को प्रभावित या इंटरफेयर करेगी या उसकी नींद में बाधा उसकी इस प्रकृति के माध्यम से आएगी। तो यहां पे अगर एक व्यक्ति ऐसे बेडरूम में सो रहा है जिसमें मछली है तो उसको साउंड स्लीप आने में दिक्कत होगी, उसको नींद आने में समस्याएं आएंगी और नींद से संबंधित जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी कुछ समय बाद व्यक्ति में आने लगते हैं। और व्यक्ति में अगर साउंड स्लीप ही नहीं होगी, अगर वो ठीक से नींद पूरी नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए, एनर्जेटिक और अगले दिन स्फूर्ति के लिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ या कारण से फिश एक्वेरियम को बेडरूम में नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिश एक बहुत ही सुपर एक्टिव या ये कहें बहुत ही अलर्ट जीव है। थोड़ी सी आहट होने पर वो अपनी जगह से बुलेट की स्पीड से चली जाती है, वो हमेशा अलर्ट रहती है, चौकन्नी रहती है। और बेडरूम में हम देखें तो वहां हम रिलैक्स करने जाते हैं, वहां आराम करने जाते हैं। क्योंकि मछली सुपर एक्टिव है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो कभी आराम ही नहीं करती है। तो उसकी यही प्रकृति, अगर एक बेडरूम में फिश एक्वेरियम है तो उस बेडरूम में व्यक्ति अगर आराम करने जाएगा या रिलैक्स करने जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन में बाधा आएगी और बेचैनी उसकी बनी रहेगी, वो अपने कमरे में रिलैक्स या ये कहें कि स्ट्रेस फ्री फील नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों कारणों से
कि वो हमारी नींद में इंटरफेयर या बाधा मछली के माध्यम से आ सकती है, और जो रिलैक्सेशन हमें बेडरूम में चाहिए उसमें भी बाधा अगर फिश एक्वेरियम बेडरूम में है तो आने की संभावना बढ़ जाती है। हमें फिश एक्वेरियम को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अब हम वास्तु सिद्धांत के अनुसार बात करते हैं कि फिश एक्वेरियम मुख्यतः जल तत्व है। अगर बेडरूम साउथ वेस्ट, जिसका तत्व पृथ्वी है, वहां पे फिश एक्वेरियम है तो वहां पे तत्वों का असंतुलन हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी और जल आपस में एनिमी एलिमेंट माने जाते हैं और पृथ्वी जल को बांधती है। तो फिश एक्वेरियम अगर साउथ वेस्ट के बेडरूम में रखा जाता है तो वहां पे तत्वों का असंतुलन हो जाता है। इसी तरह से अगर बेडरूम साउथ ईस्ट, जो अग्नि की दिशा है, वहां पे फिश एक्वेरियम है तो वहां पे जल और अग्नि के माध्यम से असंतुलन तत्वों का वहां पैदा होता है, क्योंकि जल अग्नि को बुझाता है। तो वहां पे साउथ ईस्ट में अगर एक्वेरियम है बेडरूम में तो यहां पे तत्वों के असंतुलन से वास्तु दोष घर में पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर साउथ में बेडरूम है तो साउथ डायरेक्शन पृथ्वी और अग्नि दोनों तत्वों का यहां समावेश है, तो यहां भी अगर फिश एक्वेरियम है तो जल तत्व इन दोनों तत्वों के माध्यम से यहां पे असंतुलन पैदा होता है। जैसा हमने देखा, पृथ्वी और जल से असंतुलन होता है और इसी तरह से जल और अग्नि से भी असंतुलन होता है। तो साउथ डायरेक्शन में भी अगर बेडरूम है और वहां पे फिश एक्वेरियम है तो तत्वों के असंतुलन से यहां पे वास्तु दोष घर में पैदा हो जाता है। तो हमें फिश एक्वेरियम को साउथ के बेडरूम में भी हम नहीं रख सकते हैं। अगर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान डायरेक्शन बोलते हैं, ईशान घर में भगवान की दिशा है और ये घर में सबसे शुद्ध पवित्र दिशा मानी जाती है और ये हमेशा साफ सुथरी और एक तरह से शुद्ध होनी चाहिए। फिश एक्वेरियम को अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में रखते हैं तो जब फिश एक्वेरियम में मछली मरती है तो कहीं ना कहीं ये दिशा एक तरह से अशुद्ध होती है, स्पॉइल होती है। तो इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में भी हम फिश एक्वेरियम को नहीं रख सकते हैं। तो हमने देखा, एक वास्तु के अपने कारण हैं और एक जो हमने जीव विज्ञान के आधार पर देखा, दोनों ही कारणों से फिश एक्वेरियम बेडरूम में रिकमेंडेड नहीं है। इस विषय से संबंधित अगर आपके प्रश्न हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर जल्दी से जल्दी दे पाऊं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us. To get scientific solutions of vastu problems at nominal fee, register now 965004546. To learn vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online vastu course. Our WhatsApp number is 9650045406। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।